प्रदेश के कानपुर स्थित जाजमऊ में मामूली विवाद में दो संप्रदाय के लोग आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों समुदायों के बीच जमकर मारपीट हुई और कुछ लोगों ने पथराव भी किया। इस मारपीट में गंभीर रूप से घायल एक युवक की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद क्षेत्र में तनाव के हालात बने हुए हैं। ऐसे में घटना स्थल और उसके आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक चकेरी थाना क्षेत्र के बाजितपुर निवासी 25 वर्षीय पिंटू निषाद पुत्र राम निषाद टेंडरी में काम करता था। रविवार रात को वह अपने बड़े भाई दीपक और साथी संदीप के साथ कहीं जा रहा था, तभी क्षेत्र में पानी के पाउच से छींटे पड़ने को लेकर अमान और उसके साथियों से विवाद हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। कुछ देर बाद दोनों संप्रदाय के लोग आमने सामने आ गए और जमकर लाठी डंडे चले और पथराव भी हुआ। इसमें पिंटू गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस घायल पिंटू को हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पिंटू की मौत की खबर के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया, जिसे देखते हुए क्षेत्र में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि पिंटू को पहले भी अमान ने पीटा था, तब शिकायत के बाद भी चकेरी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर से रामेश्वर मिश्रा के साथ रवि गुप्ता की एक खास रिपोर्ट। दोनों लोग 8:30 थाना क्षेत्र चकेरी के वाजिदपुर गांव में पिंटू निषाद अपने साथी संदीप के साथ गांव के बाहर जा रहे थे। रास्ते में उन्हीं के गांव के अमान को जो एक पाउच वहां ज़मीन पर पड़ा हुआ था, उस पर पिंटू का पैर पड़ने के कारण कुछ छींटे पड़ जाते हैं, जिसके कारण अमान और उसके साथियों ने पिंटू और उनके साथी संदीप को पीट दिया, जिसके कारण वहां वाद विवाद बढ़ा। और इसके बाद जो है, जब पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस मौके पर पहुँची और इसके बाद जो मजरूब थे पिंटू, इनको अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में 4 लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है तथा मौके पर पीएससी और पुलिस बल का व्यवस्थापन किया गया है। वर्तमान में मौके पर शांति है तथा जो शेष लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारे प्रयास लगातार जारी है। अभी 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जो अभी FIR पंजीकृत हो रही है, इन लोगों के परिवार के द्वारा FIR दी गई है, उसमें जो लोग नामजद हैं और इस घटना के जो सही अभियुक्त हैं उनकी हम लोग छानबीन करके उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने 4 टीमें बनाई हैं, जो लगातार इनकी गिरफ्तारी हेतु दबिश दे रही हैं।